वेलकम टू चारिका व्लॉग्स। तो आज हम जानकारी लेंगे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तहसील में बसा एक गांव जिसका नाम है अंबड़वे। इतिहास के पन्नों में इस गांव का एक विशेष महत्व है। जी हाँ, विश्वरत्न महामानव बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में इस गांव का एक विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक गांव अंबड़वे के बारे में। यहां पहुंचने के लिए मंडनगढ़ मार्केट से बाय रोड आप कुछ ही मिनटों में यहां पहुंच सकते हैं। इस गांव में आते ही आपको यह बोर्ड दिखाई देता है और यहीं से पैदल जाने के लिए एक छोटा रोड बनवाया गया है जो हमें सीधे स्मारक तक पहुंचाता है। यहां इस स्मारक के बारे में जानकारी लिखी गई है और आगे अशोकन पिलर बनवाया गया है जो कि सारनाथ के अशोकन पिलर की रेप्लिका है। और यहां से बिल्कुल सामने हमें दिखाई देता है यह भव्य स्मारक। यह स्मारक का राइट साइड का गेट है और यह स्मारक का मुख्य गेट है। अंदर आते ही हमें दिखाई देता है एक बड़ा सा हॉल जिसकी दीवारों पर महापुरुषों की तस्वीरें तथा महत्वपूर्ण संदेश लिखे गए हैं। और हॉल के बिल्कुल सामने तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति तथा विश्वरत्न महामानव बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू हमें दिखाई देता है तथा त्यागमूर्ति माता रमाई की प्रतिमा और दीक्षाभूमि नागपुर की वुडन रेप्लिका हमें यहाँ देखने मिलती है। अंदर आते ही बिल्कुल सामने बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता सुबेदार रामजी बाबा की जीवनी की जानकारी लिखी गई है। और यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अस्थि अवशेष जिन्हें इस चांदी के कलश में रखा गया है और इसलिए यह जगह बेहद पवित्र मानी जाती है। और सरकार द्वारा इस जगह को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। वर्ष 1848 में बाबा साहब के पिता सुबेदार रामजी सकपाल जी का जन्म इसी गांव में हुआ ऐसे कहा जाता है। और ब्रिटिश मिलिट्री में वे सुबेदार पद की नौकरी करने मध्य प्रदेश के महू में यहां से रवाना हुए और महू की पवित्र भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म हुआ। 1894 में पलटन से रिटायर्ड होकर रामजी बाबा अपने परिवार के साथ फिर से दापोली में आए। दापोली शहर में उन्होंने रहने के लिए एक छोटा सा मकान खरीदा जो दापोली हाई स्कूल से बिल्कुल लगकर हमें दिखाई देता है। वहां अपने सुपुत्र भीमराव को शिक्षा देने की उन्होंने व्यवस्था की। आज उस जगह पर भी विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से स्मारक देखने मिलता है। बाबा साहब का उपनाम सकपाल यह था किंतु स्कूल में उनके इसी गांव के नाम से अंबड़विकर यह उपनाम लिखा गया और बाबा साहब ने इसी जटिल नाम को सरल करके अंबेडकर किया।
और आज पूरा विश्व उन्हें डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इस नाम से जानने लगा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ, किंतु यह उनका मूल गांव है, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर साल यहां हजारों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी तथा अभ्यासक यहां भेंट देते हैं। इस पवित्र स्मारक का संवर्धन करना बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस जगह को अवश्य भेंट दें।